हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग के ओरिएंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन होता क्या है। देखिए, नेचर ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें गिफ्ट दे रखी हैं, फ्री ऑफ गिफ्ट दे रखी हैं, जैसे कि विंड, रेन और सन। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेम टाइम में हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो है हमारे लिए जो है वो हमारे लिए अनइजीनेस भी जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों, जब हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, एक तो तरीका आप नॉर्मल बिल्डिंग को डिज़ाइन कर लीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो बिल्डिंग के जो ओरिएंटेशन करते हैं उसमें इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं पर्टिकुलर एरिए के हिसाब से कि आपका जो साइट है वो किस एरिया में। तो उस चीज़ को देखने के बाद हम इसके ऊपर पूरी स्टडी करते हैं और वो किस तरीके से आपके घर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज को दे सकती है। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रख के आपका घर बनता है तो इसे बोलते हैं बिल्डिंग का ओरिएंटेशन। दोस्तों, मैं ये देखता हूँ कि आजकल के जितने भी घर बनते हैं उसमें ये जो ओरिएंटेशन है इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ये सबसे पहला तो ये कि आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, अगर आप नेचुरल लाइट अगर आपके घर में आएगी तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम जलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी कम जलेगी तो आपका बेनिफिट होगा कि आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। दूसरा बेनिफिट आप कंट्री के लिए कर रहे हैं कि आपका आप जो बिजली यूज़ नहीं कर रहे तो जो गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उस पर जो लोड है वो कम पड़ेगा, तो वो बिजली जो है वो उस बंदे को दे देंगे जिस बंदे को उसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो देश की सेवा कर सकते हैं और अपने लिए भी आप बेनिफिट तो कर ही रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका घर किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो आपके घर में नेचुरल लाइट तो आए लेकिन जो सन की जो हीटिंग रेज हैं वो आपके घर में ना आए, इस तरीके से आपके घर को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। और सिमिलर केस में इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आपके घर में जो ठंडी हवा है वो आपके घर में आए, ठंडी ब्रीज आए तो वो आपके घर में आए, और जो लेकिन जो गर्म हवा है वो आपके घर में ना आए। और सिमिलरली, अगर आपका जो घर की जो साइट है वो किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कि रेन ज़्यादा पड़ती है या फिर स्नोफॉल ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, तो इन सब चीज़ों की जो स्टडी होती है उसको हम जो है वो बिल्डिंग के ओरिएंटेशन में रखते हैं, और इसी को जो हम बिल्डिंग ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सनपाथ के बारे में। तो आप जैसे इस फोटो में देख रहे होंगे, इस फोटो में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो सन का जो पाथ है वो समर्स में कैसा रहता है और विंटर्स में कैसा रहता है। तो इसमें जो विंटर्स में रहता है इसमें सन का एंगल जो है वो लो रहता है, मतलब जो सनलाइट है उसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, और समर्स में जो एंगल है वो उसका ज़्यादा रहता है। तो आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को अगर आप सीधा करके आप रखते हैं तो उसकी लाइट का फोकस जो काफ़ी अच्छा पड़ेगा, तो उसकी हीटिंग अच्छी आएगी, और ये अगर टॉर्च को आप क्रॉस कर देते हैं तो उसकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो एरिया के बढ़ने के साथ साथ जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और उसकी जो हीटिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो सन का जो पाथ है वो समर्स और विंटर्स में इस तरीके से ही काम करता है। अब दोस्तों, सनपाथ को मेज़र करने के लिए वैसे आपको एंड्रॉयड पे बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी अगर आप प्रोफेशनली काम नहीं करते तो, और वैसे कंप्यूटर पे भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर जो कि सनपाथ को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने रैविड का सॉफ्टवेयर खोल रखा है, इसमें मैंने एक आप देख रहे होंगे कि ये मैप बना रखा है ये पूरा, और अब इसमें जैसे मैंने यहाँ से जा कर के सनपाथ को ऑन कर दिया, पहले इसको मैं 3D बजाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरा सन का पाथ जो है आ रखा है, यहाँ पे किस विंडो में किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा सारा हम पूरा एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे। और अब इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे सन पाथ में जा करके, यहाँ पे हम लोकेशन डाल सकते हैं जिस लोकेशन में हम रहते हैं, और यहाँ पे लोकेशन को सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर यहाँ से डेट जो भी टाइम है वो सारी चीज़ें मेंशन करके यहाँ पे ओके कर देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सन जो है वो यहाँ पर राइज होगा और उसी के अकॉर्डिंग जब वो सेट होगा। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें पता है कि जो सन है वो नेचुरल सोर्स है लाइट या फिर हीट का, और जो सन है वो मॉर्निंग के टाइम पे उसकी जो रेज होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है हमें, और आफ्टरनून तक आते आते वो बहुत ही चुभने लग जाती हैं, और फिर जब वो छुप रहा होता है तब भी उसकी जो रेज है वो कम होती हैं, लेकिन जो उसकी जो हीटिंग है वो ड्राई एयर के द्वारा जो वो एब्जॉर्ब नहीं की जाती, तो उस टाइम पे भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब हमें ये तीनों कंडीशंस का हमें पता चल गया सन की, तो
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो घर है उसकी विंडोज़ को जो हमें लगाना है। और मज़े की बात है कि हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं लेकिन ये जो सारी चीज़ें ये हमें वास्तुशास्त्र में भी इस चीज़ का हमें जो है वो जिक्र मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में। तो एक इसमें होता है पैसिव सोलर सिस्टम और एक होता है एक्टिव सोलर सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव सोलर सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि हम इस तरीके से अपने घर को डिज़ाइन करते हैं कि जो सन से जो मिलने वाली जो रेज हैं वो हार्श रेज हमारे घर में ना है और उससे मिलने वाली नेचुरल लाइट हमारे घर में है। फिर दोस्तों इसमें जो एक्टिव सोलर सिस्टम होता है इसका यूज़ किया जाता है कि जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है सन के माध्यम से और उसका यूज़ करना है, चाहे वह उसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कर सकते हैं, फिर उसको जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लाइट्स में हो गया, फैंस में हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक पंप में हो गया। और दोस्तों सोलर स्ट्रेटजी को जब हम बना रहे हैं तो हमें अपनी बिल्डिंग की जिन जिन कॉम्पोनेंट्स पर ध्यान देना है प्लानिंग के दौरान, उसमें सबसे पहले है डोर, फिर है विंडो, फिर है रूफ़ और फिर है वॉल की ओरिएंटेशन। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि ये जो वॉल है ये नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन वाली जो वॉल है वो बड़ी है। तो अगर पैसिव सोलर सिस्टम को आपको ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बनानी है तो इसकी जो वॉल है आपकी साइड की वो नॉर्थ और साउथ में जो है वो बड़ी होनी चाहिए। अब अगर सनशेड की बात की जाए तो जो साउथ वाली वॉल है वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल सनशेड देने हैं और जो आपकी जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के सनशेड देने हैं। और जो आपके घर का जो वेरांडा है वो आपको साउथ और वेस्ट की साइड बनाना है जिससे कि वहाँ की जो दीवारें हैं वो कम हीटेड होंगी। और दोस्तों अगर आपका घर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर आप वेदर प्रूफ कोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की थी जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन होता है उसमें सन की क्या इंपॉर्टेंस है, अब बात करते हैं विंड की। तो दोस्तों अब विंड की अगर बात करें तो आपको अपने घर को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आपका जो घर के घर में जो है वो नेचुरल विंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए जिससे कि वहाँ पर जो गर्म जो भी वहाँ पर एयर होगी उसको वो फैला देगी और वो खाली होने के बाद वहाँ पे जो है वो नेचुरल एयर आकर के उस जगह को फिल कर देगी, तो वहाँ का भी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। दोस्तों हम इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते और लेकिन हम देखें हमने जो पुरानी जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे हम एक हवा महल का एग्जांपल उठा कर देख लें तो उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल जो है वो बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इतना जो कि गर्म एरिया राजस्थान, तो वहाँ पर भी अगर आप हवा महल में जाएंगे तो आपको एकदम ठंडी ठंडी हवा जो है वो लगेगी। तो इसका फ़ायदा इस तरीके से होता है, अगर आप अपने घर को भी इस ओरिएंटेशन को ध्यान में रख के बनाते हैं तो वो हवा महल जैसा मज़ा आप अपने घर में ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिल्डिंग के ओरिएंटेशन में रेन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब अगर रेन की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो जहाँ पर भी आपका किसी ऐसे एरिया में आप डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पर कि रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आप जो है वो स्लोपिंग रूफ को प्रेफर करिए और रेन की डायरेक्शन में कम से कम ओपनेबल विंडोज़ को रखिए और रेन की डायरेक्शन में जो है वो अपने मेन गेट के एंट्रेंस को भी बिल्कुल मत रखिए। और दोस्तों जहाँ पे कि रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे जो आप सनशेड बनाएंगे वो ऊपर से स्लोपी होना चाहिए और नीचे की साइड उसके जो है वो ग्रूव्स होने चाहिए ताकि जो बारिश का पानी है वो सनशेड की जो ऊपर की जो सरफेस है वहाँ से होता हुआ आपके विंडो के अंदर ना आ जाए, जिसे जो नॉर्मल मिस्त्री लोग हैं इसे टपक भी बोलते हैं। अब दोस्तों CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की में, इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं बिल्डिंग के ओरिएंटेशन को लेकर के। तो इनकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इनकी गाइडलाइन नंबर 1 है कि एक अच्छे ओरिएंटेशन की ये पहचान है कि आपका बिल्डिंग जो है वो इस तरीके से बने कि जब आपके घर में गर्मियाँ हों तो जो सोलर रेडिएशन है यानी जो सन की जो रेडिएशन है वो आपके घर में कम से कम आए और जो विंटर्स हों तो जो सन की जो रेडिएशन है यानी जो सन की जो गर्मी है आपके घर में मैक्सिमम आए। फिर दोस्तों गाइडलाइन नंबर 2 है कि जब आप सनशेड बनाते हैं तो अगर आपका सनशेड या फिर कोई विंडो अगर साउथ डायरेक्शन में आ रही है तो उस सनशेड को थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि जब हीटिंग पड़े तो वो हीट जो है वो आपकी विंडो से होते हुए आपके घर के अंदर ना आए और आपके जो घर है वो ठंडा बना रहे। और नंबर 3 की आप अपनी विंडोज़ का प्लेसमेंट इस तरीके से रखिए कि आपके घर में जो डे लाइट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आए और बेसिकली जो डे लाइट आपको मिलती है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन से मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट गाइडलाइन है कि जो बाहर की जो विंड की जो वेलोसिटी है उसकी अगर कंपेयर करा जाए तो उससे 27% अंतर होनी चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 40% होनी चाहिए, यानी अगर बाहर अगर 100% विंड की वेलोसिटी है तो अंदर जो है वो 27% होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 40% होनी चाहिए।
और दोस्तों एक अच्छे वेंटिलेशन के लिए जो विंड की ओर की जो डायरेक्शन है वहाँ पर आपको एक विंडो रखनी है और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी विंडो रखनी है। इससे जो है क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा और आपके घर में जो है वो एयर का फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा और पॉजिटिविटी भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस है, तो इन अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में हमें अगर हम बिल्डिंग का ओरिएंटेशन करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अब इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हॉट एराइड जोन्स। अब ये जो है वो ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे कि हवा में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी काफ़ी कम होती है और जो सन है सन की रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसमें जो है यहाँ पे जो है वो डे और नाइट के टेम्परेचर में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है और विंटर और समर्स में भी जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और दोस्तों अगर इनमें कुछ स्टेट्स की अगर बात मैं करूँ तो इसमें सबसे पहले जो पंजाब का जो प्लेन एरिया है वो आता है, राजस्थान, यूपी, नॉन कोस्टल आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न पार्ट आता है कुछ तमिलनाडु का और महाराष्ट्र का कुछ ईस्टर्न पार्ट आता है। दोस्तों अगर हमें बिल्डिंग का ओरिएंटेशन करना है और जो बिल्डिंग है उसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से है तो वहाँ पे हमारा सबसे पहला मोटिव तो ये होना चाहिए कि जो हॉट एयर है वो जल्दी से जल्दी क्विकली बाहर निकल जाए या फिर अंदर ही ना जाए, और सेकंड ये कि हमारी जो वॉल्स हैं वो कम से कम हीटअप हो और जो अंदर जो कमरे हैं वो भी कम से कम गर्म हो। अब दोस्तों ये जो आप फोटो देख रहे हैं आपका जो साइट का अगर ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप से है तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अब दोस्तों आपके घर में काफ़ी सारे ऐसे रूम्स होते हैं जो कि काफ़ी कम यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टोर रूम हो गया या फिर बाथरूम हो गया, तो इनको आप जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। अगर आप वेस्ट बनाते हैं तो आपके घर के लिए एज अ थर्मल बैरियर का काम करते हैं। और दोस्तों अगर आपका एग्जिस्टिंग घर है इस ऐसे एरिया में और आपका अगर मान लिया साउथ या फिर वेस्ट की साइड में अगर आपकी फेसिंग है या फिर ये जो मैंने आपको जो प्लॉट की जो एक ओरिएंटेशन बताई थी, अगर ऐसी ओरिएंटेशन नहीं है तो आप साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में जो है बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं तो आप उनको भी उगाएँ तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों आपके जो फ्लोर एरिया का जो आपको वेंटिलेशन देना है, सपोज़ आपका एक रूम है और रूम का जो एरिया है वो 10x10 यानी 100 स्क्वायर फिट का, तो वहाँ पर जो आपको विंडोज़ की जो ओपनिंग देनी है वो 8 से लेकर के 10% के बीच में देनी है, यानी 8 से लेकर के 10 इस पर स्क्वायर फिट जो है आपकी ओपनिंग होनी चाहिए। और दोस्तों ऐसे एरियाज़ में जहाँ घर होते हैं या फिर आपके एग्जिस्टिंग घर हैं अभी, तो वहाँ पे जो आप कलर्स जो करवाते हैं वो लाइट कलर ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे डोर्स ले लो या वॉल्स ले लो या फिर रूफ वगैरह पे लाइट कलर करवाते हैं तो जो सन की जो रेडिएशन है या फिर जो सन की जो हीट है वो मैक्सिमम जो रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपकी जो वॉल्स है वो हीटिंग कम करती हैं। अच्छा दोस्तों ऐसे जो हॉट एराइड जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पर होता क्या है कि जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, तो अगर आप ऐसे एरियाज़ में अगर DPC का यूज़ नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब दोस्तों इंडिया में नेक्स्ट टाइप का जोन आता है हॉट ह्यूमिड जोन्स। अब ये ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे कि बारिश काफ़ी अच्छी पड़ती है और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और हवा में भी जो है वो नमी होती है और गर्मी भी यहाँ पे पड़ती है। अब दोस्तों अगर इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स की बात की जाए जो कि जोन के अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है आसाम, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, दोस्तों ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि इस जोन के अंदर आते हैं और जो इसी टाइप के और भी जो एरियाज़ हैं उनको हम जो है वो इसी कैटेगरी में रखते हैं। और अगर यहाँ पर अगर आप बिल्डिंग का ओरिएंटेशन करते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव है सबसे पहले तो ये कि हमें बिल्डिंग को जो है वो बारिश से बचाना है, फिर सेकंड ये जो बारिश के दौरान जो ठंडी ठंडी मीठी मीठी ब्रीज जो चलती है उसका हम अपने घर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले ये कि ऐसे एरिया में जो भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें हमें DPC ज़रूर देना है, क्योंकि हैवी रेनफॉल वाले एरिया में अगर हम DPC नहीं देंगे तो वहाँ पर जो है वो नीचे से की ओर से जो है वो मॉइस्चर उठेगा और वहाँ पर जो है वो डैम्पनेस आ जाएगी। फिर सेकंड ये कि वहाँ पर जो हम स्लोप देंगे वो हम पिच्ड रूफ वाली स्लोप देंगे। फिर दोस्तों ऐसे एरिया में जो हम छत बनाएंगे वो पिच्ड रूफ वाली छत जो है वो बनाएंगे। फिर दोस्तों ऐसे एरियाज़ में जो विंडोज़ और जो डोर्स बनेंगे आउटर के तो उनके ऊपर हमें छज्जा को देना है कि जिससे कि यहाँ पर जो है वो रेन वाटर इस पर ना आए और विंडो या फिर डोर को जो है वो डैमेज ना करें। दोस्तों ऐसे एरियाज़ की जो वॉल्स है उसे हमें तो मोटा तो रखना है लेकिन वहाँ पे जो है हमें ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी देनी है जिससे कि वेंटिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहे वहाँ का। दोस्तों जो आप अपने घर में पिच्ड रूफ बनाएंगे तो उसके नीचे आप फॉल सीलिंग जरूर करवाइए। अगर आप फॉल सीलिंग को करवाते हैं तो आपका जो थर्मल कम्फर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और जो आपका AC का बिल है उसमें भी जो है वो काफ़ी कटौती होगी। दोस्तों अगर आपको ब्रीज का मज़ा लेना है तो आपका जो घर है
उसका जो फेस है वो सी की तरफ होना चाहिए। अब जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे, ये वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और ये जो बंगाल है, इन तीनों के लिए आपकी जो फेसिंग है अलग अलग है। मतलब कुल मिला के ये कि आपकी जो फेसिंग है वो सी की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल हिली रीजन के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है, यहाँ पर बारिश तो पूरे साल ही रहती है और सर्दियों में बर्फ़ पड़ना एक नॉर्मल बात रहती है। अब अगर इंडिया में ऐसे एरियाज़ की अगर बात की जाए जिसमें सबसे पहले हम बात करें कश्मीर की, फिर सेकंड नंबर पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और पंजाब का जो हिली रीजन है। तो दोस्तों इस एरिया में अगर आप बिल्डिंग को बना रहे हैं और अगर आप बिल्डिंग ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपको जिन जिन चीज़ों पे काम करना है, जिसमें सबसे पहले तो है कि जो स्नोफॉल होती है उससे आप घर को किस तरीके से बचा सकते हैं, फिर सेकंड नंबर पे वहाँ पे जो ठंड पड़ती है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट कि वहाँ पे जो आप विंडोज़ देंगे उसको आप छोटा ही रखिए, ज़्यादा बड़ी विंडोज़ को ना दीजिए। और सेकंड ये कि वहाँ पे जो आप बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं, वहाँ पे अगर आप लकड़ी का यूज़ करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों ऐसे एरियाज़ में जो बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है, मतलब जो बिल्डिंग का जो प्लॉट है, वो ईस्ट की साइड जो है वो ईस्ट और वेस्ट की साइड जो है वो लंबा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो आपको सन रेज जो है वो मैक्सिमम मिलेगी और आपका जो घर है वो हीटअप रहेगा। और दोस्तों ऐसे एरियाज़ में जो बेडरूम और या फिर जो हॉल्स हैं तो उनको आप साउथ और वेस्ट में बनाएं तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बेडरूम हो गया या फिर जो लिविंग रूम हो गया तो वहाँ पर क्या है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपना गुजारते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो मॉर्निंग रेज है वो अच्छी मिलेगी और वहाँ पे आप जो है वो कंफर्टेबली रह सकते हैं। और दोस्तों ऐसे एरियाज़ में आपको जो छत रखनी है वो पिच्ड ही रखनी है, पिच्ड रूफ ही रखनी है, और जो पिच्ड रूफ का जो एंगल है वो मैक्सिमम जो है वो 45 से लेकर के 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों ऐसे एरियाज़ में जब आप कलर्स का यूज़ करें तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे एरियाज़ में जो कलर्स हैं वो डार्क रहने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर्स जब डे के टाइम पे जब सन जब निकलता है तो उसकी रेज को जो है वो एब्जॉर्ब कर देते हैं और रात के टाइम पे उसे रेडिएट करते हैं, तो रात के टाइम पे जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो अच्छा रहता है और वहाँ पे रहने वाले को कम्फर्टेबल फील होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर हमारी इस तरह की वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।